हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रेलवे गेम स्टार। और आज एक और नया जर्नी का शुरुआत होने जा रहा है। और जी हां, बिल्कुल, इस बार ये है 12821 धौली एक्सप्रेस, जो कि हावड़ा स्टेशन से निकल के पूरी तक आपको पहुंचा देती है। और ये ट्रेन हावड़ा से निकलती है बिल्कुल सुबह के 6 बजे, एकदम अर्ली मॉर्निंग ट्रेन है ये। और फिलहाल आप लोग देख सकते हो हमारे राइट साइड से, ट्रेन के राइट साइड से एक फ्रेट ट्रेन का क्रॉसिंग चल रहा है, जो कि एक हॉपर स्टोन वाली फ्रेट ट्रेन आपको दिख ही रहा होगा लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड नहीं, ट्रेन के राइट साइड में। इसका लोको कौन सा था वो आपने देखा क्या? अगर देखा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बता देना कि कौन सा लोको था। इस बार मैं बताऊंगा नहीं, अगर आपने देखा होगा वीडियो के बिगिनिंग में तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना। फिलहाल हम लोग ट्रेन के पीछे के साइड पर हैं, आप लोग देख सकते हो। और तो फिर चलिए सामने के साइड में चलते हैं। यहाँ पर हमको मिला था येल्लो सिग्नल, जिसके कारण हमारा स्पीड हो गया है यहाँ पे डिक्रीज। तो काफ़ी स्लोली स्लोली चल रहे हैं अभी हम लोग यहाँ से। और अभी तो ग्रीन सिग्नल मिल चुका है सामने हमको, इसीलिए हम लोग स्पीड को आगे बढ़ाते हैं और थ्रॉटल को कर देते हैं 50% तक रखते हैं, नहीं 70% तक रखते हैं, ताकि थोड़ा बहुत जो है जल्दी एक्सेलरेट हो। ये है हॉर्न वैप 4 का, और ये है हमारा लोकोमोटिव सांतरागाछी शेड का भाप 4। अरे मेरा मतलब वैप 4, WAP 4। वैसे यार भाप से याद आया कि भाई आप में से किस किस को स्टीम लोकोमोटिव पसंद है। स्टीम लोकोमोटिव के ऊपर मुझे वीडियो बनाने के लिए काफ़ी लोगों ने पहले भी कहा था, लेकिन अभी तक मैंने सोचा नहीं है इस बारे में। ज़रूर से बनाऊंगा इसके ऊपर वीडियो। मैं एक बार F7 को ऑन कर लेता हूं, ताकि ये पता चले कि कौन कौन ट्रेन जो है हमारे साइड से हमको क्रॉस कर रही है। अच्छा, कोई ट्रेन आ रही है, ये है पूरी तिरुपति एक्सप्रेस, जिसका कि वैप 4 लोकोमोटिव हमको यहाँ से दिखाई दे रहा है। देखते हैं, हम लोग हॉर्न बजा देते हैं यहाँ से एक बार। इस ट्रेन को रेड सिग्नल मिला है तो ये शायद यहाँ पे रुक जाएगी। अब ये देखो, पूरी तिरुपति एक्सप्रेस वैप 4 कौन से शेड का था इस लोकोमोटिव? विजयवाड़ा का था शायद, है ना, विजयवाड़ा या फिर विशाखापट्टनम। मैंने नोटिस नहीं किया ठीक से, अगर आपने देखा होगा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बता देना। और ये स्टेशन कौन सा है मैं एक बार देख लेता हूँ, स्टेशन कौन सा है? मोटारी। तो मोटारी स्टेशन को स्किप करते हुए हमारी धौली एक्सप्रेस निकल रही है। और हाँ भाई, अब आप लोग ये मत पूछना कि भाई तुम ट्रेन तो चला रहे हो धौली एक्सप्रेस, लेकिन यहाँ पे बोर्ड में भाई राज्य रानी एक्सप्रेस क्यों लिखा हुआ है? 22861 अप और 22862 डाउन, शालीमार टू आद्रा, राज्य रानी एक्सप्रेस। अब भाई आप लोगों का ये कमेंट्स आना शुरू हो जाएगा, मैं 100% गारंटी देकर कह सकता हूँ। तो इसका कारण जो है मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया, इस बार भी बता देता हूँ। चलिए तो देखो यार भाई, इंडियन रेलवेज़ है, वैसे इंडियन रेलवेज़ भी काफ़ी मतलब बहुत तरह के जुगाड़ कर लेती है, आपको भी पता है। चलिए रुक जाओ, एक बार ये क्रॉसिंग होने दो अननोन एक्सप्रेस का, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो वैप 7 के साथ में 3027 कुछ ऐसा ही रोड नंबर मुझे दिखा हल्का सा, वैप 7 के साथ में ICF के साथ में एक ट्रेन, जहाँ पे गार्ड जी हमको ग्रीन फ्लैग दिखाते हुए क्रॉस कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा राइट साइड से। तो हाँ गाइस, मैं क्या कह रहा था, कि क्यों मैंने राज्य रानी के कोचेज यूज़ किए। हाँ तो गाइस, आपको पता ही, इंडियन रेलवेज जो है काफ़ी तरह के जुगाड़ कर लेती है, मतलब किसी एक ट्रेन के कोचेस को किसी दूसरे ट्रेन के कोचेस में अटैच कर देती है, या फिर किसी दूसरे ट्रेन के कोचेस को किसी तीसरे ट्रेन के कोचेस में अटैच कर देती है, ये तो आपको पता ही है ना। तो यार कुछ आप लोग समझ सकते हो, मतलब ऐसे ही मैंने इस गेम में भी किया है। एक लेवल क्रॉसिंग है, रुक जाओ, हॉन्ग कर देता हूँ, सामने से देलंग स्टेशन आ रहा है। तो इसी प्रकार मैंने किया है राज्य रानी एक्सप्रेस का, इसमें मैंने यूज़ किया है। और यहाँ पे हम लोग देलंग स्टेशन को स्किप कर रहे हैं, राइट साइड में वैग 9 के साथ में एक फ्रेट ट्रेन, टैंकर वाली फ्रेट ट्रेन हमको दिख रहा है, रेड कलर का टैंकर। और लेफ्ट साइड में एक ट्रेन को ओवरटेक कर रहे हैं, जिसका कि वैग 4 लोकोमोटिव लगा हुआ है। और ये कौन सा ट्रेन है मुझे कमेंट से बताना गाइस, कि कौन सा ऐसा ट्रेन है जिसको कि धौली एक्सप्रेस ओवरटेक मारती है पूरी स्टेशन आने के पहले, ऐसा कौन सा ट्रेन है जिसको धौली एक्सप्रेस ओवरटेक मारती है, मुझे कमेंट्स में जल्दी से बता देना। और इसका जो आंसर है ना, मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, वीडियो जहाँ पर ख़त्म होगा मैं वहाँ पर इसका आंसर बता दूँगा। और हाँ गाइस, आपने मेरा पहला वीडियो देखा है क्या, पूरी तिरुपति एक्सप्रेस के ऊपर मैंने बनाया था वीडियो, उसका लोको रिवर्सल के ऊपर। और ये देखो, यहाँ पे वैग 7 के साथ
अच्छा यहाँ पे ट्विन वैक 7 के साथ में एक गुड्स ट्रेन BCNA रेक है, जिसका मैं हॉर्न वॉर्न बजा के रखता हूँ गाइस। और गाइस सामने स्पीड लिमिट 80 का आ चुका है, तो हम लोग फटाफट से ब्रेकिंग कर लेते हैं। और सिग्नल हमको येलो दिखा रहा है यहाँ पे फिलहाल तो, और उसके बाद में रेड तो अभी दिखा रहा है, अभी आगे जाने के बाद ही पता चलेगा कि वो रेड रहेगा या फिर येलो या ग्रीन हो जाएगा। तो गाइस हमारा जो धौली एक्सप्रेस है, इस ट्रेन का अभी तो वैप 7 लोकोमोटिव एक रेगुलर लिंक बन चुका है। सांतरागाछी का वैप 7 इसका रेगुलर लिंक है धौली एक्सप्रेस का, जो कि आज हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे वैप 4 यूज़ किया है सांतरागाछी का, जो कि पहले इसका रेगुलर लिंक हुआ करता था। पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तब इसका रेगुलर लिंक वैप 4 हुआ करता था सांतरागाछी का वैप 4, लेकिन अभी इसको अपग्रेड करके वैप 7 में कर दिया गया है, जब से साउथ ईस्टर्न रेलवेज में वैप 7 अलाउड हुआ है। तो गाइस मैंने जो है ना, मेरे रीसेंट वीडियोस में जितने भी मैंने वीडियो बनाया है, वहाँ पे ज़्यादातर ही मैंने वैप 7 का इस्तेमाल किया है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो यार धौली एक्सप्रेस में मैं आपको वैप 4 के साथ में एक्शन दिखा देता हूँ, तो थोड़ा सा कुछ अलग सा भी होगा और मज़ा तो आएगा ही। तो यार आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, आजकल आप लोग लाइक तो बिल्कुल भी नहीं करते हो यार, आप लोग पहले जैसा यार प्यार बिल्कुल भी नहीं देते हो सच में यार। कारण मैं बता रहा हूँ, मुझे कैसे पता चला, उनको पहले स्टेशन को स्किप करने दो। कौन सा स्टेशन है? वीर पुरुषोत्तमपुर स्टेशन को अभी हम लोग करने वाले हैं स्किप, और सामने से एक और ट्रेन का क्रॉसिंग होने वाला है 03102 पूरी कोलकाता सुपरफास्ट स्पेशल फेयर। अरे यार ठीक से क्रॉसिंग भी मैं आपको दिखा नहीं पाया, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, रुक जाओ। हॉर्न मारते हुए आ रही है, देखो वाओ बहुत अच्छा है, मस्त लग रहा है क्रॉसिंग। वैग 9 के साथ में एक ICF ट्रेन, एक स्पेशल फेयर ट्रेन है जिसका कि क्रॉसिंग चल रहा है हमारा पुरुषोत्तमपुर स्टेशन में। और सामने हम लोग स्पीड को इंक्रीज करेंगे नहीं, 110 का तो लिमिट हमको मिलने ही वाला, लेकिन हम लोग एक्सेलरेट नहीं करेंगे क्योंकि सिग्नल रेडी है अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो होपफुली तो शायद हमको रुकना पड़ सकता है, अभी देखते हैं, वो तो सामने जाके ही पता चलेगा। मैं थ्रॉटल को एकदम आइडल पोजिशन पर कर देता हूँ और एक बार हॉर्न मार देता हूँ, और स्पीड को कर लेता हूँ धीरे धीरे डिक्रीज। रुकिए और थोड़ा सा पास में चलता हूँ, फिट कर लेते हैं हम लोग स्पीड को डिक्रीज। हाँ तो गाइस मैं कह रहा था कि यार मतलब पहले जब मैं वीडियोस वगैरह बनाता था ना, तो वहाँ पे जैसे ही 10,000 से 15,000 व्यूज़ आते थे, तो उसमें 1,000 लाइक मुझे पक्का मिल जाता था, एकदम पक्का, मतलब मिलना ही है, मिल जाता था। और फिर उसके कुछ दिन बाद से वो भी कम होने लगा, मेरा मतलब फिर जब 18,000 के आसपास व्यूज़ आते थे तब मेरे को 1,000 लाइक्स मिल जाते थे वीडियोस पे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, 20,000 व्यूज़ को टपकाने के बाद भी 1,000 लाइक्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। तो गाइस आप लोग यार जो है ना प्यार बहुत ही कम कर दे रहे हो भाई, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ यार, तभी तो यार मुझे भी मज़ा आएगा वीडियोस बनाने के लिए। तो यार वैसे भी आपसे काफ़ी दिन बाद बातें हो रही है, तो यार बीच में ना मुझे अचानक से पता नहीं क्या हो गया था, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था मुझे वीडियोस बनाने का, क्योंकि यार मैं देख रहा था यार व्यूज़ भी काफ़ी कम होते जा रहे हैं दिन ब दिन, और ऊपर से लाइक्स भी काफ़ी कम आ रहे हैं वीडियोज़ पर। तो इसीलिए यार ऐसा मुझे फील हो रहा था। तो यार आप लोग यार प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ यार, लाइक कर दो वीडियो को और शेयर ज़रूर से कर देना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, जिनको ट्रेन्स पसंद है उनके साथ ही, क्योंकि यार जिनको ट्रेन्स पसंद नहीं है यार उनको शेयर करोगे तो यार मतलब क्या बताऊँ यार, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। राइट साइड से एक और अननोन ट्रेन आ रही है, हमको भी सिग्नल येलो से ग्रीन मिल गया, रुको इसका क्रॉसिंग होने दो, हम डिपार्ट करते हैं। अच्छा एक LHB ट्रेन है, LHB ट्रेन है जो कि हमारे साइड से क्रॉस कर रही है, इसका लोको तो वैप 4 है, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कौन से सेट का वैप 4 है ये गाइस। अरे यार इतनी स्पीड से निकल रही है ट्रेन, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, आपको समझ आया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट से बता देना कि कौन से सेट का वैप 4 था वो।
चलो फिर अभी हम लोग थ्रॉटल को इंक्रीज़ करते हैं 50% तक रखते हैं फिलहाल थ्रॉटल को, 52 अप्रॉक्स। और हमारा वेव 4 धीरे धीरे एक्सेलरेट करते हुए आगे बढ़ रही है, और सिग्नल तो ग्रीन मिला है हमको, पहले येलो मिला था उसके बाद तुरंत ग्रीन हो गया। और ट्रैक साउंड गाइस सुनाई दे रहा होगा ना आपको अच्छे से। हाँ तो गाइस मैं कह रहा था गाइस थोड़ा सा यार सपोर्ट दिखा दो यार, इस वक्त आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है यार। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो यार पता नहीं क्या होगा, क्योंकि पहले आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर चुके हो, तो यार मैं होप करता हूँ कि आप लोग वापस दोबारा पहले जैसे ही सपोर्ट फिर से बनाए रखोगे और पहले जैसा कर दोगे। देखते हैं गाइस क्या होता है, मुझे तो पूरा भरोसा है आप लोगों पर। तो ठीक है फिलहाल 110 का स्पीड लिमिट वापस से मिल चुका है, हम लोग एक्सेलरेट करते हैं। साखी गोपाल स्टेशन को अप्रोच करते हुए हम लोग जा रहे हैं, ये लेवल क्रॉसिंग। साखी गोपाल स्टेशन में श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस का तो स्टॉप रहता है, क्योंकि वो सुपर फास्ट ट्रेन नहीं है, एक मेल एक्सप्रेस कैटेगरी की ट्रेन है वो, इसीलिए शायद इसको साखी गोपाल में रुकवाते हैं। लेकिन भाई हमारा धौली एक्सप्रेस तो एक सुपर फास्ट ट्रेन है, प्रेस्टीजियस ट्रेन है, साउथ ईस्टर्न रेलवे से ये बिलोंग करती है, और इसका इसीलिए ये सब छोटे स्टेशन पे स्टॉप्स नहीं है। और राइट साइड में एक गुड्स ट्रेन आप देख सकते हो, हॉपर स्टोन गुड्स ट्रेन है वैग 7 के साथ में। तो पूरी स्टेशन आने में 9.2 किलोमीटर रह गए हैं, देखते हैं हम लोग कब तक पहुँचते हैं। वैसे टाइम तो देखे रखा है 2:30, दोपहर के 2:30 पे इसका पहुंचने का टाइम देके रखा है पूरी स्टेशन पे धौली एक्सप्रेस का, जो कि रेगुलर टाइम है, मतलब नॉर्मल टाइम इसका यही है 2:30 दोपहर के। अब देखना ये है हम लोग कब तक एंटर करते हैं, क्योंकि हमको तो एक बार सिग्नल फेस करना पड़ा रेड सिग्नल, अब आगे देखते हैं और सिग्नल फेस करना पड़ता है या फिर पूरा ग्रीन देके रखते हैं हमको। सामने से एक और गुड्स ट्रेन का क्रॉसिंग चल रहा है, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, रुक जाओ। बैग 9 के साथ में गुड्स ट्रेन है, BCNA गुड्स ट्रेन है, BCNA फ्रेट ट्रेन का क्रॉसिंग चल रहा है हमारे राइट साइड से। कमेंट्स में बता देना क्रॉसिंग कैसा लग रहा है। तो अब तक आपने कितना सारा क्रॉसिंग देखा मुझे कमेंट से बता देना, कितना सारा क्रॉसिंग्स अभी तक आपने देखा इस वीडियो में। ये देखो एक हल्का सा कर्व में अभी हम लोग जा रहे हैं, तो ये तीनों हॉर्न में से कौन सा हॉर्न आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है कमेंट से बता दो जल्दी जल्दी से, ये हॉर्न तो बता दो गाइस कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको। तो 6.9 किलोमीटर बाकी है और पूरी स्टेशन आने में, देखते हैं क्या होता है, मेरा मतलब कब तक हम लोग पहुँचाते हैं ट्रेन को। और वापस से 80 का स्पीड लिमिट आ चुका है, हम लोग तुरंत ब्रेक सप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कर्व्स है जिसके चलते स्पीड लिमिट यहाँ पे इतना रिड्यूस करके रखा गया है। बस बस बस, और ब्रेक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सामने एक स्टेशन हमको दिखाई दे रहा है, क्या स्टेशन है ये, मलतीपतपुर स्टेशन को हम लोग अभी करने वाले हैं स्किप, थोड़ा स्लो स्पीड से, मतलब एक मीडियम वाली स्पीड से अभी हम लोग इसको स्किप करने वाले हैं। देखो नज़ारा कैसा लगता है, वैसे कोई ट्रेन वगैरह है नहीं, कोई ट्रेन नहीं है स्टेशन में, क्योंकि बस दो ही ट्रैक्स है इस स्टेशन पे। वैसे रियल वर्ल्ड में इस स्टेशन पे दो ही ट्रैक्स है क्या, जो लोग इस साइड से हो मुझे कमेंट से बता देना, आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा, तो कमेंट से बता देना। हमको सिग्नल मिला है येलो, ठीक है चलो फिर देखते हैं क्या होता है आगे। और लेफ्ट साइड में कुछ सिग्नल बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहा होगा। और जो रूट आज हम लोग खेल रहे हैं ये है आपका रेल इंडिया रूट, कोई कोई लोग इसको देवली के नाम से भी जानते हैं, देवली या देवली आप लोग पता नहीं क्या कहोगे इसको, लेकिन इसके नाम से भी कोई कोई लोग जानते हैं इसको। भाई मुझे तो रेल इंडिया नाम ही अच्छा लगता है, रेल इंडिया। साइड के ट्रैक्स पे सिग्नल रेड है, इसका मतलब अभी तो कोई ट्रेन आने वाली नहीं है,
देखो हल्का सा कर्व पे भी हम लोग जा रहे हैं, हल्का सा कर्व है सामने। टाइम हो रहा है दोपहर के 2:23। ठीक है, चलिए फिर कोई बात नहीं। और गाइस इसके बाद में कौन सा वीडियो बनाना है मैं ज़रा देखता हूँ, लेकिन पहले ये देखना है कि ये वीडियो मतलब आप लोग इसका रिस्पांस कैसा आता है यार, आप लोग क्या कहते हो इस वीडियो के बारे में, पहले मुझे ये देखना है। उसके बाद मैं सोचूंगा कि इसका अगला वीडियो मतलब क्या बनाया जाए। मैं आपको एक बार ऐसे क्रॉसिंग दिखा देता हूँ। ये देखो कुछ एसी चेयर कार कोचेस, मैं आपको एसी चेयर कार कोचेस का इंटीरियर भी दिखाऊंगा बहुत ही जल्द। रुको पहले हमको यहाँ पे ट्रैक मॉनिटर पे थोड़ा सा फॉलो करने दो। सामने कर्व मैं हॉर्न वगैरह बजा देता हूँ, सिग्नल सामने रेड दिखाई दे रहा है, तो होपफुली ये पूरी स्टेशन का होम सिग्नल है। जहाँ पे हमको रेड सिग्नल दिखाई दे रहा है तो हमको जो है ब्रेक्स लगा लेने चाहिए अब, तो हमको रुकना ही पड़ेगा शायद गाइस यहाँ पे, क्योंकि ये पूरी का होम सिग्नल ही लग रहा है मुझे। पहले मैं एक बार रुक जाऊं वहां पे, उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा एसी चेयर कार का इंटीरियर। रुको पहले मैं रुक जाता हूँ एक बार। ब्रेक्स तो काफी अच्छे हैं वैप 4G के हमारे। और ब्रेक साउंड भी काफी बढ़िया आ रहा है। बस और थोड़ा सा सामने चलने दो, उसके बाद हम लोग रोक देंगे हमारे ट्रेन को। तो गाइस यहाँ तक वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट से बता देना। और हाँ गाइस मैं क्या कह रहा था, जिस ट्रेन को हमने ओवरटेक किया था उस स्टेशन पे, वो ट्रेन था आपका तिरुपति से पुरी तक जाने वाली एक्सप्रेस। मतलब जिस ट्रेन का क्रॉसिंग मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था, उसी ट्रेन का डाउन वाला वर्शन। तो अब बताओ यार कौन कौन सही गेस किए थे। तो बस गाइस यहाँ पे हम लोग अभी रोक देंगे हमारे ट्रेन को। चलो फाइनली 30 meters पहले हमने रोक दिया है हमारे ट्रेन को, और सामने ही पूरी स्टेशन भी है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा वो देखो राइट साइड में एक लंबा सा कर्व है, और फिर पूरी स्टेशन वहाँ पे दिखाई दे रहा है, और काफ़ी बड़े बड़े लंबे लंबे बिल्डिंग्स भी हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो 22881 हमारे वैप 4 का रोड नंबर है। अब देखते हैं कब तक हमको यहाँ पे सिग्नल मिलता है, येलो सिग्नल यहाँ पे, होम सिग्नल की बात कर रहा हूँ मैं। चलो मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर में। अरे यार अंदर का तो यार व्यू दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, रुको मैं ऐसे कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। चलो सिग्नल तो हमको सामने मिल चुका है, ये देखो ये मैं इसकी बात कर रहा था। ये देखो एसी चेयर कार का इंटीरियर यहाँ पे इस गेम में कुछ ऐसे बनाया गया है। वैसे कुछ कुछ मिलता है रियल वर्ल्ड से, हल्का फुल्का सा मिल रहा है, ज़्यादा तो सेम नहीं लग रहा है, लेकिन हल्का फुल्का सा मैच हो रहा है रियल वर्ल्ड से। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अभी डिपार्ट करते हैं यहाँ से फिर। चलो फिर डिपार्ट कर चुके हैं अभी हम लोग, और यहाँ से भी 1.9 kilometers है पूरी स्टेशन। और सामने होने वाला है हमारा ट्रैक चेंज,
यहाँ पे सिग्नल पे देख के आपको क्या लग रहा है? देखो वाइट कलर के जो एलईडी लाइट्स हैं वो जल रहे हैं, दो बार जल रहे हैं, दो लाइट बार्स जल रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा दो बार ट्रैक चेंज होगा। ठीक है, फिर देखते हैं सामने जाके क्या होता है। मैं थ्रॉटल को और थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ और ये देखिए हमारा ट्रैक चेंज हो रहा है सामने। तो हम लोग गाइस जा रहे हैं डाउन ट्रैक्स के साइड में, अभी हम लोग अप ट्रैक्स पे थे और अभी हम लोग जा रहे हैं डाउन ट्रैक्स पे। और सामने गाइस लेवल क्रॉसिंग खुला हुआ है क्या? नहीं नहीं अभी बंद हो गया है, कुछ देर पहले ही एक कार गुजरा यहाँ से। अरे अरे ये देखो यार, फिर से चालू हो गए यहाँ पे काला जादू। तो यार वीडियो के एंडिंग में मैंने आपको दिखा दिया काला जादू, तो यार इसके लिए एक लाइक ठोकना तो बनता ही है। काफ़ी दिन से मैंने आपको नहीं दिखा था काला जादू और आज मैंने दिखा दिया वापस से। एक हल्का सा कर्व पे अभी हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे 40 का लिमिट देके रखा है लेकिन आगे में 30 का लिमिट है। देखो काफी लंबा टर्न मार रहे हैं अभी हम लोग गाइस। ये देखो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कैसा लग रहा है नज़ारा। ट्रैक चेंज तो हमारा हो ही रहा है और प्लस हमारा ट्रेन कैसा लग रहा है यहाँ इतना दूर से, ये देखो कैसा लग रहा है। अरे कुछ ज़्यादा ही ओवर स्पीडिंग हो जा रहा है, कोई बात नहीं हम लोग वापस से स्पीड के अंदर में आ जाते हैं। ये गार्ड का व्यू है, पीछे में जो गार्ड जी होते हैं उनका व्यू है अभी हम लोग जहाँ पे हैं। चलो हम लोग सामने चलते हैं। ये सामने वाला गार्ड कोच का व्यू है, यहाँ से ऐसा लग रहा है और यहाँ से भी काफ़ी कुछ है दिखाने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये देख लीजिए पीछे से हमारा ट्रेन कैसा लग रहा है, मतलब पीछे के साइड का जो पोर्शन है वो कैसा लग रहा है। अब लेफ्ट साइड के डोर व्यू में हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पे भी काफ़ी कुछ है आपको दिखाने के लिए। ये देखो फिर से एक बार ट्रैक चेंज हो रहा है हमारा और हम लोग पूरा आ चुके हैं डाउन वाले ट्रैक्स पे। और ये देखो कितने सारे लोकोमोटिव्स, ये देखो कितने सारे लोकोमोटिव्स यहाँ पे हैं। मैं आपको सारा दिखाऊंगा, अच्छे से दिखाऊंगा। एक बार हम लोगों को रुक जाने दीजिए स्टेशन पे, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हम लोग एंटर कर चुके हैं फाइनली और यहाँ पे वैप 7 के साथ में एक शताब्दी टाइप की ट्रेन लगता है, ये एक शताब्दी टाइप की ट्रेन। और ये यहाँ पे एक वैग 7 के साथ में एक युवा एक्सप्रेस टाइप का कोई ट्रेन है यहाँ पे, पता नहीं कौन सा ट्रेन होगा, आप लोग गेस कर लेना कि कौन सा ट्रेन हो सकता है। ये सब जो लोग हैं यहाँ पे अभी इस वक्त पूरी स्टेशन पे, और नज़ारा देख लो आप लोग, काफ़ी हैवी ट्रैफिक है पूरी स्टेशन पे। और हमारा धौली एक्सप्रेस एंटर कर चुका है पूरी स्टेशन पे। तो यार हम लोग बस 2 ही मिनट लेट पहुँचे यार, ज़्यादा लेट तो नहीं हुआ। इसके लिए एक वीडियो पे लाइक ज़रूर से कर देना। तो यार मेरा ड्राइविंग स्किल्स यार देखा यार, थोड़ा बहुत इम्प्रूव तो हो ही गया है ना, मानते हो ना यार। तो इसके लिए एक वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना वीडियो को। तो ऑलमोस्ट 2 मिनट लेट पहुँचे हैं हम लोग पूरी स्टेशन पे। ये भी लेट नहीं होता अगर वहाँ पे दो जगह पे हमको नहीं रोका जाता सिग्नल पे, रेड सिग्नल देके हमको दो जगह पे अगर नहीं रोका जाता तो ये लेट भी नहीं होता। ये देखो गरीब रथ के एसी कोचेस। अच्छा तो ये गरीब रथ ट्रेन है, मुझे लगा युवा एक्सप्रेस है, लेकिन नहीं ये गरीब रथ ट्रेन है। बस अब हम लोग धीरे धीरे ब्रेक्स लगा देंगे। पीछे से देखते हैं एंटर कर चुका है हमारा ट्रेन, हाँ पूरा एंटर कर चुका है हमारा ट्रेन। अब वक्त आ गया कि हम लोग ट्रेन को ब्रेक्स लगा के रोक दें। चलो फाइनली कंप्लीट हो चुका है हमारा ये एक्टिविटी। अब बारी है वैप 4 के रेस्ट करने का। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाके पीछे का नज़ारा देख के आते हैं। रुक जाओ मैं एक बार सामने का क्या नज़ारा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे पीछे। यहाँ पे एक युवा एक्सप्रेस, युवा या गरीब रथ पता नहीं, आप लोग बता देना कमेंट्स में क्या हो सकता है। बीच में कुछ स्टैटिक आईसीएफ कोच और ये एक शताब्दी टाइप का कोई ट्रेन है।
और यहाँ पे फिर से एक स्टैटिक कोचेस है और फिर एक एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी है जिसका कि वैप फोर लोकोमोटिव होपफुली लगा हुआ है। हाँ ये देखो वैप फोर लोकोमोटिव लगा हुआ है इस ट्रेन का, जो कि यहाँ पे अभी अभी अराइव की है पूरी स्टेशन पे। और ये गरीब रथ के कुछ स्टैटिक कोचेस, दुरंतों के स्टैटिक कोचेस, ICF के काफ़ी सारे स्टैटिक कोचेस। और अब वक्त है हम लोग पीछे के साइड में देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे लोकोमोटिव रखा गया है। ये देखो एक स्टैटिक कोचेस यहाँ पे भी रखा गया है ICF का। और यहाँ पे देखो एक WDM 3DM को दिखाई दे रहा है, साउंड काफ़ी अच्छा आ रहा है इस लोकोमोटिव का। और क्या क्या है आपको दिखाने के लिए, ये देखो यहाँ पे देखो नज़ारा कैसा है कि रुक जाओ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक वैप 5, एक वैप 7 और एक वैप 4, तीन जो लोकोमोटिव्स हैं एक साथ में हैं। और यहाँ पे एक WDM 3A, होपफुली ये विशाखापट्टनम शेड गाय। और यहाँ पे कौन कौन से लोकोमोटिव्स हैं, यहाँ पे दो शक्ति WDG 3A हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखो ये, और यहाँ पे एक वैप 4 और ये देखो यहाँ पे एक वैप 7 और सामने चलते हैं यहाँ पे एक वैग 7 टाइप के कुछ दो लोकोमोटिव्स हैं। तो ये था गाइस पूरी का नज़ारा। तो गाइस मेरा तो हो गया ख़त्म, अब है आपकी बारी। आप लोग अब बता देना कमेंट्स में कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, ये जर्नी कैसा लगा, आपने इस ट्रेन में कभी सफ़र किया है कि नहीं वो भी बता देना। और गाइस अगर पसंद आया होगा वीडियो को यार एक लाइक ज़रूर से ठोक देना यार, सपोर्ट करो यार, थोड़ा सा सपोर्ट करो, नहीं तो यार मतलब ठीक से यार मोटिवेशन नहीं मिल रहा है वीडियो बनाने के लिए, सच सच बता रहा हूँ यार गाइस। तो बस यार थोड़ा सा सपोर्ट कर देना गाइस, और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनको ट्रेन्स पसंद है। और अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाना, क्योंकि आपको यहाँ पे इस तरह के वीडियोस मिलता रहता है। तो ठीक है गाइस, अभी मैं आपसे फिर मिलूँगा किसी अगले वीडियो पे, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।